नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। एक नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट खबरों पर। ग्रेटर नोएडा में बदमाशों ने चाकुओं से गोदकर शख्स की जान ले ली, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती किया, जहां शख्स की जान चली गई है। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वृंदावन में चल रहे कुंभ मेला में संतों एवं भक्तों की आवागमन की श्रृंखला लगातार जारी है। इसी श्रृंखला में शंकराचार्य महाराज कुंभ मेला क्षेत्र में पहुंचे हैं, जहां उन्होंने तीन अन्य अखाड़ों की श्री महंत महामंडलेश्वर और संतों से मुलाकात की है। अध्यात्म एवं कुंभ मेले की व्यवस्थाओं पर चर्चा की है। इस दौरान पत्रकारों से वार्ता करते हुए शंकराचार्य ने कहा कि जहां वृंदावन कुंभ मेले में योगी सरकार द्वारा की गई व्यवस्थाओं के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा भी की है। और वहीं अलीगढ़ में 28 फरवरी को हुए किशोरी हत्याकांड का खुलासा करते हुए एसएसपी ने बताया कि पड़ोस में खेत की सिंचाई कर रहे किशोर ने दुष्कर्म के प्रयास में असफल होने पर किशोरी की दुपट्टे से गला दबाकर जान ले ली थी। फिलहाल पुलिस ने शख्स गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी द्वारा एंटी भूमाफिया कानून बनाकर भूमाफियाओं पर कार्रवाई किए जाने के बाद भी भूमाफियाओं पर सरकारी जमीन पर कब्जे की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। ऐसा ही मामला मथुरा से सामने आया है, जिसके खिलाफ जल्द कार्रवाई करने की बात एसडीएम द्वारा कही जा रही है। और वहीं हाथरस कांड में मुख्य आरोपी गौरव शर्मा पर 1 लाख का इनाम घोषित किया गया है। साथ ही उसके दो साथियों पर 25,000 का इनाम घोषित किया गया है। एडीजे के अनुसार पीड़िता के बयान के अनुसार दोषी पुलिसकर्मियों की होगी जांच, दोषी पाए जाने पर होगी सभी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई। खबर बाराबंकी से है, जहां पर आपसी विवाद में किन्नरों के दो गुट में जमकर मारपीट हो गई है। मारपीट में लाठी डंडे चले हैं। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जाँच शुरू की। बिजनौर में पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की जान ले ली और फरार हो गई। पुलिस ने सर्विलेंस के जरिए पत्नी सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा। नोएडा के सेक्टर 24 थाना पुलिस ने 25,000 के नामी अंतर्राज्यीय वाहन चोर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी सहित तीन लोगों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। सिंगरौली जिले के ग्राम पंचायत में सरपंच रूपेश चंद्र पांडे ने ग्राम पंचायत क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चलाया। अपने जनसंपर्क अभियान के क्रम में जनता से उन्होंने कहा कि अपने समाज के सभी धर्मों और वर्गों के लोगों को साथ लेकर चलना चाहिए। जात पात से अलग होकर पंचायत का विकास गुणवत्तापूर्वक करने एवं शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए सदैव काम कर रहे हैं वो। हमारा लक्ष्य ऐसा है जो ग्राम पंचायत को आदर्श पंचायत बनाने की तमन्ना रखता है। और वहीं मेरठ में बीजेपी कार्यकर्ता का चालान काटने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया था, तो ठीक उसके 12 घंटे बाद ही मेरठ के मेडिकल थाने के एसओ व दरोगा के द्वारा बीजेपी पार्टी से ओबीसी मोर्चा महानगर अध्यक्ष के भतीजे के संग गाली गलौच और मारपीट करने का मामला सामने आया, जिसके बाद पुलिस की इस कार्यशैली को लेकर सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मेरठ के एसएसपी कार्यालय पर जमकर हंगामा किया और धरने पर बैठ गए। खबर बिजनौर से है, जहां पर लगातार बढ़ रही महंगाई को लेकर शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने हाथों में सिलेंडर लेकर महंगाई का विरोध किया है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि साफ तौर पर केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा लगातार महंगाई को बढ़ाया जा रहा है। पेट्रोल और डीजल की आसमान छू रही है कीमतें। जहां प्रत्येक व्यक्ति महंगाई से त्रस्त हो गया है, तो वहीं लोगों की जेब में खर्च करने के लिए अब पैसे भी नहीं बचे हैं। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संचालित मिशन शक्ति अभियान के तहत महाराजगंज पुलिस अधीक्षक प्रदीप गुप्ता के निर्देश के अनुसार सेंट जोसेफ स्कूल महाराजगंज की छात्राओं को यातायात पुलिस की जिम्मेदारी देते हुए शहर के प्रमुख चौराहों पर यातायात जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर वाहन चालकों को सुगम यातायात व्यवस्थित करने में सहयोग की अपील की गई। महाराजगंज जिले में यूपी पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। जिले में प्रशासन ने मंगलवार देर शाम ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्यों की आरक्षण सूची जारी कर दी है। आपको बता दें कि महाराजगंज जिले में ब्लॉक प्रमुख के 5 और जिला पंचायत सदस्य के 17 पद अनारक्षित किए गए हैं। मेरठ से खबर है, जहां पर एक बार फिर से रिश्ते हुए शर्मसार। सगे भतीजे ने अपनी चाची के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया है। दुष्कर्म का प्रयास विफल होने पर चाची के साथ जमकर मारपीट की गई है और शख्स मौके से फरार हो गया है। पीड़िता ने पुलिस से शिकायत की। फिलहाल यूपी फटाफट में सिर्फ इतना ही। बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। नमस्कार।